मेरा नाम अंगूरी है, मैं पुंडरी से हूँ। अच्छा, कैसे पहुँचे यहाँ पे? यहाँ तो बच्चों के डी ग्रुप में दिए थे नहीं पेपर, तो इसकी वजह से अपने बच्चे लेकर आए हैं यहाँ पे। अच्छा। अपना इंटरव्यू कराओगे, डॉक्टर वगैरह चेक करेंगे यहाँ। आ गया लिस्ट में नाम है? हाँ आ गया। तो कितने बच्चे लगे हैं आपके? बस पहले ही लगेगी भी आप। अच्छा, गुड़िया लगेगी। हाँ, तीन लड़कियाँ एक लड़का। अच्छा, हाँ। ये पहली नौकरी है परिवार में? पहले तो खुशी हो? खुशी बहुत ज्यादा। अच्छा, हाँ। इससे पहले परिवार का मतलब रोजगार की बात ना? कुछ नहीं, बस यही मजदूरी। अच्छा, मजदूरी करेंगे? मजदूरी, झाड़ू पोछे। अच्छा, बस। आपको कैसा लग रहा है जैसे ग्रुप के बीच? बहुत बढ़िया लग रहा। खट्टर सरकार ने यो अच्छा काम करा, गरीबों का भी रोजगार दिया और सब तय देगा, प्रभु का धन्यवाद है भाई। उम्मीद थी आपने? हाँ, 5 साल से पढ़ाई कर रही है। 5 साल से पढ़ाई? हाँ, वे बोले शादी शुद्धि मेहनत करानी, मैंने तो जॉब करनी है। अच्छा। तो फिर इसे मारे मगर तो अपना काम कर, शादी में कुछ नहीं रखा। तो वही परमेश्वर का धन्यवाद है, हासिल हो जाए तो अच्छी बात है, अब तो काम बहुत पड़ा। बेटी के साथ आई वजह? हाँ। आप बताइए, क्या क्या नाम? मेरा नाम कोमल है। आप भी पुंडरी से? हाँ जी। तो आप जैसे परिवार में पहली नौकरी मिल गई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और 4.5 साल तक तो मतलब सरकार ने भर्ती करी नहीं, फिर उसके बाद अभी यही जॉब दी है डी ग्रुप की, तो ये मिल गई, तो इसमें भी अच्छा है। अच्छा, अच्छा लग रहा है। अच्छा, क्या क्वालिफिकेशन है आपकी? मैंने एमए किया पॉलिटिकल साइंस से। पॉलिटिकल साइंस से? हाँ जी। तो कितने दिन से तैयारी कर रहे थे? मैं 2019 से तैयारी कर रही थी, और 2019 में मतलब क्लर्क की आई, फिर उसमें तो नहीं क्योंकि शुरुआत थी उस टाइम, तो फिर धीरे धीरे तो वैकेंसी सीटी आया, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम चलती रही, फिर उसके बाद धीरे धीरे फिर डी ग्रुप का होया, फिर उसमें भी अभी 4.5 महीने के बाद रिजल्ट आया, तो अब इसमें हो गया, तो अच्छा। तो जिस तरह से मतलब आपका परिवार की बैकग्राउंड, आपकी मम्मी से पूछा कि बिल्कुल मतलब ठीक नहीं है, अब जैसे रोजगार का साधन मिल गया, आप कैसा? हाँ। लग रहा है, आप कितनी खुशी हुई है? बहुत अच्छा लग रहा है, और खुशी भी बहुत अच्छी, मतलब ज़्यादा ही खुशी है, क्योंकि हरियाणा में बेरोजगारी भी ज़्यादा ही है, और यदि 10-15 हज़ार रुपये की सैलरी की नौकरी मिलती है तो उसमें भी अच्छा लगता है, और इसमें भी अच्छा ही है। ये मतलब कितने भाई बहन हो आप? हम 4 बहन भाई हैं, 3 बहन है और 1 भाई है। एक भाई है। आपकी लगी है पहली है? हाँ जी, मैं बड़ी हूँ, मेरे बहन भाइयों में बड़ी हूँ। हाँ। तो जैसे मम्मी ने बताया कि आपने बोल दिया था कि मैं शादी नहीं करवाऊंगी, जॉब नहीं करूंगी, तो बोल दिया था आपने? हाँ जी, बोल दिया था, और फिर पूरा भी करा, इंतजार भी करा, पेशेंस भी रखा कि नहीं होगा, जरूर होगा एक दिन, तो फिर अब हो गया। तो जैसे एमए आपने कर रखी है, तो मतलब परिवार में रोजगार का कोई साधन नहीं है, किस तरह से आपके माता पिता ने आपको पढ़ाया? मुश्किल तो बहुत ही है, फिर धीरे धीरे चलता रहा काम, मजदूरी तो करते हैं मम्मी पापा, फिर धीरे धीरे मतलब बस हो गया, चलता रहा काम, पढ़ाई में भी खर्चा तो आता ही थोड़ा बहुत, और कुछ सरकार ने खैर मदद करी है, सक्सेम से भी कुछ मतलब मेरी मदद हेल्प हो रही थी, इस वजह से भी मतलब धीरे धीरे पढ़ाई करते रहे और काम हो गया।